नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पेटलावत पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पेटलावत सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हुए उन्होंने मरीजों को फल वितरित किए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के द्वारा पेटलावत में नव निर्मित शासकीय कॉलेज के भवन का उद्घाटन भी किया गया। अलग अलग यात्रा के माध्यम से आज मुझे सौभाग्य मिला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर आई माता को नमस्कार के दर्शन के बाद यहाँ हॉस्पिटल में उसके बाद कॉलेज के उनका लोकार्पण भी हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि जनता के बीच सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर हम दोबारा सरकार बनाएंगे। इसी भावना से पार्टी ने ये कार्यक्रम बनाया है। मेरी अपनी ओर से आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो, शतायु हो, सहस्त्रायु हो। अपने काम और अपने समूचे जीवन से वो हम सबको प्रेरणा देने वाले एक बड़े अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। परमात्मा करे उनके हाथ में और यश वैभव आए, जिससे देश और उन्नति करे। इंदौर पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रहे एक लोडिंग वाहन को पकड़ा, जिसमें गोवंश भरकर इंदौर की ओर लेकर आ रहे थे, जिसकी सूचना हिंदू संगठन को मिली और हिंदू संगठन और पुलिस ने मिलकर लोडिंग वाहन को पकड़ा। कल शाम की घटना है। देवास की तरफ से एक टाटा एस लोडिंग गाड़ी में गोवंश कीड़े भरकर लाए जा रहे थे। एक छोटी सी गाड़ी में 6 गोवंश थे और उसको पूरी तरह से ढककर रखा गया था। तो स्थानीय संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को रोका था और पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुंची थी। और जब ये पाया गया कि उनको बड़ी क्रूरतापूर्वक भरा गया है, तो हमने उनके विरुद्ध दो आरोपी हैं, अजय और रामू, उनके विरुद्ध गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है और इस मामले में आरोपियों को जेल भेजा है। भोपाल के अंबेडकर मैदान में आजाद अध्यापक संघ के लोगों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मैदान में एक जनसभा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जगह से हजारों की संख्या में अध्यापक भोपाल धरने में सम्मिलित होने पहुंचे। अध्यापकों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, आय में वृद्धि की जाए और अध्यापकों को वरिष्ठता दी जाए। आज हमारी मांग यही है कि हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मनोहर करना है। बहन शिल्पी सिवान के नेतृत्व में हम लोगों की जो काफी विसंगतियां हैं, जो 1998 में हमारे जो अध्यापक साथियों के जो नियुक्ति दिनांक थी, उस नियुक्ति दिनांक को खत्म करके 2018 से हमारी नियुक्ति दिनांक को लागू किया गया और वरिष्ठता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मनोहर करने आए कि हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए और हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए, हमारा 2006 के जो साथियों की वेतन विसंगति उसे भी हल किया जाए और क्रमोन्नति और पदोन्नति का लाभ दिया जाए। क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अपनी सहनशीलता और अपनी सकारात्मक सोच को हम चाहते हैं कि वो प्रदर्शित करें, न कि दिखावा करें। जी, हमारी मांगे हैं, एक तो वरिष्ठता जो हमारी 2018 में शून्य कर दी गई है, दूसरा क्रमोन्नति है और पुरानी पेंशन जो सभी कर्मचारियों की मांग है वो भी हमारी मांग है। हम यहाँ पर मामा जी से मनुहार करने आए हैं, वो बहुत संवेदनशील मुखिया है हमारे। जब बहनों के लिए वो इतना कर रहे हैं तो हम भी उनकी लाडली बहनें हैं, तो वो हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी मनुहार को स्वीकार करे और बहन शिल्पी शिवान जो आज उनके नेतृत्व में हम उनकी मनुहार करने के लिए आए पधारे हैं, तो वो हम सबकी मांगों को पूरा करे, क्रमोन्नति, वरिष्ठ, पुरानी पेंशन, अनुकंपा आदि जो भी हमारी समस्या है उनको दूर करते हुए हमें हमारी मनुहार को माने और बहन शिल्पी शिवान के साथ हमारी सबकी मनुहार को स्वीकार। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के बैनर तले धनगर समाज ने अपनी 3 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। समाज के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि धनगर समाज सहित समाज की उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर उसका लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक भी राज्य सरकार ने समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया है। को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए, जो 2016 के आदेश है हमारे, 2016 का आदेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति में जो धनगर समाज को डालने की बात हुई थी उसके ऊपर अभी तक जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। दूसरा है हमारा कि जो धनगर जाति के जो हमारे लोग हैं, जो कई वर्षों से
राजनीतिक पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक उचित पद दिया जाना चाहिए और हम उसी को लेकर कम से कम 15 सीटों के लिए मांग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 230 सीटों में 145 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि ये धनगर समाज अपना हार या जीत का निर्णय लेता है और हम ये बड़े विनम्रता से, बड़े ही सुहद के साथ में शासन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये धनगर समाज है, ये धनगर समाज जब साथ देता है तो राजा बना देता है और ये धनगर समाज जब साथ नहीं देता है तो ये राजा को भी रंक बना देता है। तो हम हाथ जोड़कर निवेदन चाहते हैं कि हमारे वो लोग जो कई वर्षों से राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम 15 सीटें जो है वो दी जाना चाहिए। थांदला जनपद की ग्राम पंचायत बेड़ावा के समीप अतिवृष्टि के चलते बहादुरपाड़ा तालाब फूट जाने के कारण एक परिवार के 8 से अधिक लोग बह गए। इनमें पुरुष, महिला व एक बच्चे के शव भी अलग अलग स्थान पर मिल चुके हैं। झाबुआ जिले में लगातार भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 18 सितंबर सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है। बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। समस्त झाबुआ वासियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आज रात और कल सवेरे तक संभावित होने वाली भारी वर्षा को देखते हुए आप सभी अपने घर में रहें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। कोशिश करें कि कहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे अगर पानी का बहाव आपको ज़्यादा दिख रहा है तो कृपया करके वापस पहुंच जाएं और पुल पुलिया इस तरीके के जहाँ पे पानी ऊपर से जा रहा है उधर कृपया करके ना जाएं क्योंकि वहाँ पे आगे दिक्कत हो सकती है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग पूरा प्रशासन लगा हुआ है आप लोगों की मदद करने में और सब तरफ हमारे अमले नीचे तक हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप जिले का कंट्रोल रूम है उस पर भी फोन करके हम लोग को तत्काल सूचित कर सकते हैं। कृपया अपना ध्यान रखें। सभी झाबुआ वासी से मेरी विनम्र अपील है कि अभी आज और कल में संभावना है कि हमारे ज़िले में ज़्यादा बारिश हो, उसको देखते हुए सभी लोग आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें अन्यथा घरों में रहें। कुछ नदी पुलिया के ऊपर से बहने की संभावना है, कुछ तालाब भी ओवरफ्लो होने की संभावना है, तो ऐसे में आप सभी ध्यान दें कि डूब क्षेत्र से जो प्रभावित इलाका है वहाँ पर न रहें, थोड़े ऊंचे इलाके पर रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप तत्काल कंट्रोल रूम के नंबर आपको शेयर किए गए हैं, डायल 100 में 100 नंबर का नंबर आप सभी के पास है तो वहाँ पर आप तत्काल हमको अवगत कराएँ। हमारी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम लगातार नज़र बनाए हुए है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन हम भी अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम इस परेशानी से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में भी पहुंचेगी। ये आशीर्वाद यात्रा इंदौर में 22 तारीख को सारी विधानसभाओं में घूमेगी जिसे लेकर आज बीजेपी कार्यालय पर चर्चा की गई। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।